The McMahon Line, a controversial and disputed boundary between India and China. Today, we'll explore the history, significance, and ongoing tensions surrounding the McMahon Line. The McMahon Line was named after Sir Henry McMahon, a British colonial administrator who was tasked with defining the border between British India and Tibet in 1914. The McMahon Line was defined as the border between British India and Tibet, which was recognized by both Tibet and the British Raj. However, the Chinese government did not recognize the McMahon Line and claimed sovereignty over Tibet. In 1949, after the Communist Party of China came to power, the Chinese People's Liberation Army invaded and occupied Tibet. Today, the McMahon Line remains the official border between India and China, and tensions continue to run high. India and China have engaged in several military standoffs and skirmishes along the McMahon Line, the most recent being in 2020. In 2017, India and China were engaged in a tense standoff at the Doklam Plateau, which is located near the tri-junction of India, China and Bhutan. In 2020, a violent clash occurred in the Galwan Valley, resulting in the deaths of 20 Indian soldiers and an undisclosed number of Chinese troops. The current tensions along the McMahon Line are centered around the Ladakh region, where both India and China have deployed a large number of troops and military equipments. The McMahon Line remains a contentious issue between India and China, and its resolution is critical for maintaining peace and stability in the region. अमेरिका ने McMahon Line को मान्यता दी, अब यह पूरी बात है भारत के हित में तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ है यह पूरे वैश्विक परिदृश्य की ओर भी इंगित कर रही है कि ऐसा हो रहा है और ऐसा हुआ है। वैश्विक परिदृश्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो यह जो बाई पार्टीशन असर्शन रहा है या यह जो बातचीत रही है अमेरिका के द्वारा, यह बातचीत भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विश्व के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जब अपनी सीमा समस्याओं से निश्चिंत हो जाएगा तो वह अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित भी कर सकता है और भारत का भविष्य क्या हो सकता है यह सभी लोग सोच सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ है, अमेरिका ने अपने पोजीशन में, अपने स्टांस में बहुत कुछ शिफ्ट किया है और बहुत कुछ दिख रहा है, तो यह पहली बार भी नहीं है। इसके पहले भी 1962 के युद्ध में भी भारत ने ऐसा ही किया था, अमेरिका ने ऐसा कैसे किया था कि उस समय जब चीन ने आक्रमण किया था, तो चीन के आक्रमण के फलस्वरूप अमेरिका भारत में दो ऐसे सलाह दिए थे अमेरिका ने भारत को, भारत ने उन दोनों सलाहों को नहीं माना था। पहला दिया था कि अपने एयर फोर्स का उपयोग करना चाहिए अधिकाधिक। अब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, अगर वो भारतीय थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया, आप ये जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पहली बात थी। दूसरी, क्या अमेरिका ने यह माना था कि McMahon Line यह सीमा का निर्धारण करता है भारत और तिब्बत के बीच में, और भारत तिब्बत और चीन के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, उस एग्रीमेंट पर चीन ने साइन करने से इनकार कर दिया था, वह बर्तानवी समय में था, ब्रिटिश पीरियड में हुआ करता था। तो यह घटना से भी चीन अपने आप को विमुख कर दिया था। तो अमेरिका इस बात को जानते हुए उसने कहा था और स्टांस लिया था, यह उसने एक नीति बनाई थी अपनी, और उनके नीति के अग्रणी से इस स्थान पर जॉन केनेथ गार्ब्रेथ, जो वहां के राजदूत हुआ करते थे भारत में। तो अमेरिका ने पहले भी McMahon Line को मान्यता दी है। इस बार की जो मान्यता है वह इनसे बिल्कुल ही भिन्न है। अब इस पूरी भिन्नता को आप विश्व परिदृश्य में देखेंगे तब आपको मालूम चल पाएगा। पहली बात यह आती है कि अमेरिका अभी संकटों से घिरा हुआ है,
अमेरिका का दिन पर दिन पतन होते जा रहा है। अमेरिका को दोस्त की तलाश है, मित्रों की तलाश है, और साथ ही साथ है अमेरिका बाज भी नहीं आएगा कि वह दूसरे देशों में दखल देकर, फूट डालकर किसी न किसी रूप में कोई काम करे। अमेरिका यह जान चुका है कि उसका डॉलर का वर्चस्व नहीं बना रहेगा भविष्य में, आने वाले समय में भी, और इस कारण से भी वह चिंतित हो जाता है। अब आप इसे उसे उस रूप में समझिए कि अमेरिका के वर्चस्व में कमी आ रही है और अमेरिकी कंपनियां जितनी भी हैं वो सारी की सारी कंपनियां यहां पर कुछ खतरे के निशान से गुजर रही हैं। अब अमेरिका चाह रहा है कि वो चीन को किसी ना किसी तरीके से रोके, चीन के ऊपर किसी न किसी तरीके से नियंत्रण रखने का कार्य करे। अमेरिका नियंत्रण रखना ही नहीं जा पा रहा है जिससे कि सारी समस्या हो रही है। अब वह नियंत्रित रखने के लिए क्या कर सकता है, तो बहुत से कदम उठा सकता है। अब आप सोचिए कि चीन ने क्या किया है कि चीन अपना सॉफ्टवेयर, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नैनो टेक्नोलॉजी, अपना सॉफ्टवेयर, अपने चिप, अपने तरह तरह के टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने लगा है, और जिन जिन स्थानों पर निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, वो सभी अमेरिका के मार्केट हुआ करते थे, और सभी स्थानों पर अमेरिकी दखल अंदाजी अब नहीं रही है, तो अमेरिका को निरंतर निरंतर नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहली बात चली आती है। दूसरी बात है कि चीन अब महत्वाकांक्षी हो गया है, महत्वाकांक्षी होकर वह ताइवान की ओर भी नजरें दिखा रहा है, और वह बता रहा है, एक रूप में नहीं, दो रूप में नहीं, कितने रूप में बताने की कोशिश कर रहा है कि वह ताइवान के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेगा, कब्जा कर लेगा। अब अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ होता है कि अमेरिका जरा भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा है चीन को, और उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात आती है कि अमेरिका अन्य देशों की तरह नहीं है। अन्य देशों में अगर प्रजातंत्र है तो वहां पर जनता सरकार को नियंत्रित करती है। अब आप ऐसा समझिए कि अगर भारत में अंबानी, अदानी साहब या टाटा या कोई भी आकर सरकार को निर्देश देना शुरू कर दे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, होता भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। लेकिन अमेरिका पूरी तरह से नियंत्रित होता है इसी डीप स्टेट के द्वारा, और जब डीप स्टेट के द्वारा लोडेड होता है यार, तो यहां पर जो डीप स्टेट का इंटरेस्ट होता है उसी को अमेरिकी सरकार आगे भी करती है। अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ कुछ है जो अमेरिकी कॉर्पोरेट थे, जब उन्होंने अपने सारे के सारे ऑपरेशन को शिफ्ट कर दिया था चीन में, क्यों? क्योंकि चीन का रहना, चीन का उस जगह पर एग्जिस्ट करना, चीन में सामान बनना, चीन से सामान का निर्यात करना, उनके कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड को, कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी को, जीडीपी बेस्ड इकोनॉमी को बहुत ही मदद करता था। अब इस कारण से उन्होंने अपने ऑपरेशन शिफ्ट तो कर लिया, अब उन्हें अगर मौका मिलता है कि अपने पैसे वहां से निकाल लें तो चीन निकालने नहीं दे रहा है, तो उन्हें चीन का एक वास्तविक रूप भी मालूम चल पा रहा है। चौथी बात चली आती है कि चीन ने अपनी मंशा ताइवान को इन्वेट करने के लिए जाहिर कर दी है। अब अगर ऐसा होता है कि चीन ऐसा कर पाता है तो जितने भी पश्चिमी देश हैं उनका अग्रणी कौन है? अमेरिका है। तो सारे के सारे पश्चिमी देश मिलजुल कर चाइना की रिंग फेंसिंग कर रहे हैं, मतलब चाइना को घेरने का काम कर रहे हैं। तो घेरने का एक तरीका क्या हो जाता है? भारत को आगे करना। अब भारत को आगे करने की बात इसलिए आती है कि अमेरिका भारत को अपना सबसे परफेक्ट अलाई मानता है। हम भारत ने कहा है कि अलाई शब्द का उपयोग मत कीजिए, और लेकिन तब भी अमेरिका कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर है। अब आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि अमेरिका ने क्या किया था कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, और वह मिलिट्री एक्सरसाइज उत्तराखंड में था और चीन की सीमा से मुश्किल से थोड़ा बहुत दूर था। चीन इस बात से बिल्कुल ही खुश नहीं था, और दूसरे शब्दों का तो ना खुश था अच्छी खासी मात्रा में। इसका अर्थ यह निकलता है कि भारत चीन के विरुद्ध सबसे अच्छा हथियार हो सकता है। अमेरिकी चाहते ही नहीं है कि भारत और चीन कभी दोस्त भी बन पाए, और सोचिए इसी स्थान पर कैच है, यही महत्वपूर्ण है। अमेरिकी चाहते नहीं है कि भारत और चीन कभी दोस्त बन पाए, और अगर आप इस परिस्थिति की कल्पना कर पाइए कि भारत, चीन, रूस, सऊदी अरेबिया, ईरान और इजराइल अगर एक पाले में हो तो अमेरिका का क्या हश्र होगा। अमेरिका इस पूरे पहलू से बहुत ही चिंतित है और जानता है कि अगर
भारत को उन्होंने ज्यादा तंग किया, भारत को प्रेशर नहीं दिया, भारत को महत्व नहीं दिया, तो भारत अब ऐसे अलायंस इस रूप में बनाने में सक्षम है और वो कर सकता है। और जिस दिन कर लिया, अमेरिका के जो भी वर्चस्व 20 सालों में समाप्त होने वाला है, 10 सालों में वो तुरंत ही उसको मटिया मेट करके छोड़ सकता है भारत। तो यह उसे मालूम है। अब उसे इंडिकेशन है कि भारत और चीन अपने अपने जो जितने विरोधाभासे हैं, उन विरोधाभासों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, समस्याओं को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मतभेद है उसे भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कोशिश में आपने समझा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब है भी, उन्होंने कहा कि चीन हमसे बड़ा है, हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमसे बड़ा पावर है, मिलिटरली हमसे बड़ा है, तो हम लोग कैसे इस बात को नहीं माने। यह प्रैग्मेटिक तो था ही, व्यवहारिक तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ यह इंडिकेटिव भी था कि चीन को वह उन्होंने अपना दुश्मन नहीं बनाया है, बताया है। अर्थवर रूस ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर भारत चाहे तो भारत और चीन के बीच में पहल कर सकता है, बातचीत करा सकता है, और इन दोनों के बीच में मतभेदों को दूर करने के लिए वह बीच में काम भी कर सकता है। और अगर ऐसी स्थिति होती है कि भारत, चीन, रूस सब साथ मिलते हैं, तो सबसे अधिक अगर खतरा अगर किसी को होगा तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ही होगा।